हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश। आज हम प्रोनिंग के बारे में जानेंगे। तो ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो इसका प्रोनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनिंग करने के बाद ही इसका फ्रूटिंग अच्छा आता है और फ्रूटिंग का शेप भी बहुत बड़ा होता है। तो मैं प्रोनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक कटर है तो हम उई की जितना भी टहनी है उसको हम काट देंगे। तो हम यहाँ से कम 4-5-6-8 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। तो कटिंग थोड़ा ऐसे क्रॉस होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। ओके, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात ये जो छोटा छोटा टहनी होता है इसका कोई देखिए, ये मेन टहनी है, तो इसमें मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो ये मुझे नहीं चाहिए और ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ये तीनों टहनी मैंने काट के निकाल दिया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हुआ ना, इसका पूरा जोर ये अभी खाना बचाने में लगाएगा, उसके बाद ये फूटिंग देगा। फेब्रुअरी को इसको इसका फूटिंग आता है, इसके बाद हम बेबी स्टिन या सांप का एक होल बना के वो कट में लगा देंगे। तो आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एप्पल के बारे में अगर कोई जानकारी है, हॉट क्लाइमेट एप्पल के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नर्सरी जो है जय जगन्नाथ नर्सरी, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो एक बेबी स्टिन है, और एक शाप है। इन दोनों का घोल मिला के हम सब पे लगा देंगे। देखिए, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा यहाँ, तो नहीं होगा, वो बारिश की वजह से कुछ इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से यहाँ लगाया जाता है। यहाँ तो अभी बारिश होने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी हम लगा देते हैं इसको। जितना कम टहनी रखेगा उतना सख्त रहेगा, उतना खाना बचाएगा वो। देखिए, अगर फूटिंग आना है तो इसका फेब्रुअरी मंथ में फूटिंग आता है, तो अगर आता है भी मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। तो आप मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मेरे पास बहुत सारा एप्पल प्लांट है, चाहे तो आप लोग फ़ोन करके आ सकते हैं, ले सकते हैं। तो मेरा जो नर्सरी है जय जगन्नाथ नर्सरी, ये इसको मैं अभी गोबर का खाद दिया हूँ, सूखा गोबर दिया हूँ। अभी एक दो दिन में मैं उसको
टर्माइट मेडिसिन दूंगा। टर्माइट मेडिसिन हमेशा वही दिसंबर मंथ को ही दिया जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रहे कि बार बार नहीं देना चाहिए, साल में एक बार या फल लेने के बाद आप दे सकते हैं इसको। तो लगभग सारे टहनी में मैं लगा दिया हूँ और इसको बार बार नहीं प्रूनिंग करना पड़ेगा, इसको एक बार साल में एक बार प्रूनिंग करना पड़ेगा। तो अभी लगभग लग गया है, फिर भी एक दो टहनी अगर बच गया है तो मैं इसको काटूंगा। जैसे ये छोटा छोटा टहनी ये नहीं चाहिए हमको, ये सारा ऊर्जा खींच लेता है। तो यह हो गया है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ देखिए ये पूरा पूरा आप देखिए, मैं इसका नीचे कैसे गोबर का खाद दिया हूँ, अच्छे से उसको घास पास सब निकाल दिया हूँ, इसका गोबर का खाद दिया हूँ। और उसका जो टर्माइट का मेडिसिन है वो मैं काल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।